अंदर राजा जोधानाक राज किया करते थे। उनकी रानी का नाम रूपाणी था। किसी बात के ऊपर राजा जोधानाथ की और रानी रूपाणी की शर्त लग जाती है, उस शर्त के मुताबिक जो भी हारेगा उसको 12 साल का दिसोटा होगा। इब चुप रहना पड़ेगा जी। इब तो प्रसाद लिया था हमने, ले सुनना है तो बैठो और नहीं तो डिस्टर्ब नहीं हो करोगे। शरत तो असलियत में राजा जोधानाथ हार जाते हैं, लेकिन रानी अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए उस हार को स्वीकार करती है और 12 साल के दिसोटे के लिए निकल जाती है। दूर जंगल बियाबान में एक ऋषि की कुटिया के ऊपर वो रानी आसरा ले लेती है। बियाबान से लकड़ी तोड़ती, पास में एक शहर होता था माधोपुर, उस शहर के अंदर लकड़ियां बेचती, अपना और अपने पेट में पड़ने वाले बच्चे का पालन पोषण शुरू कर देती। और समय बीतता है, कुछ समय के बाद उस रानी रूपाणी जब महल से निकाली गई तो वो 3 महीने की गर्भवती थी। 6 महीने और बीतने के बाद वो एक लड़के को जन्म देती है। जब वो लड़का पैदा हुआ तो ऋषि विचार करता है कि भाई इस लड़के का नाम क्या हो। फिर विचार किया कि शाही खानदान का बच्चा है, माँ इसकी लकड़ी तोड़ के गुजारा करती है, तो उस लड़के का नाम रखा गया शाही लकड़हारा। और समय बीता, जब वो 8 साल का हुआ तो रानी रूपाणी अचानक बीमार पड़ जाती है। उसके मन में यह ख्याल आया कि हो सकता है शायद तू भी इस दुनिया में ना रहे। अपने 8 साल के बच्चे को अपने पास बिठा लेती है, लाड लड़ाती है, अपने बेटे को हौसला देती है कि मेरे लाल शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, ये भरा पूरा जंगल कोई तेरा परिवार कुटुंब नहीं। ऋषि भी प्राण छोड़ चुके होते हैं, एकला बालक 8 साल का अपनी मां के दुहे बैठा। आखिरी समय में वो रानी रूपाणी अपने पुत्र को क्या क्या कहती है, क्या बता? हेलो, ओ तेरी रूपाणी के ताप चढ़ा, वो क्यों खतरा से बीमार होई, तेरे चुकर लाड करूं बेटा मैं, ये बोलने ते लाचार रूपारी पे ताप चढ़ा, जीत
गया मेरी हार होई सबराज मंत्री खड़े लखावे मथुरत शहर ते बाहर होई रूपानी कया श्री सतबीर जी प्रजापत 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद युवा संगठन दक्ष प्रजापति महाराज 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद ये कुछ न चले जोर कजा के पूत न जनु ले जा गेल सजा के पूत न ले आ गेल सजा के ओए चट्टी देखती फिर कर कोशिश होशियार हुई वे पुत्रो वे रूपानी कह एक पूत ना सो पटिया की लाल हुई रूपानी कह मोटा कुछ मेरा जाना बालक छोटा वो कुछ मेरा यारा बालक छोटा ये 12 साल का दिया तो सोना 12 साल का दिया तो सोना बड़ी कृपा भरता रोई तन हमारा जक प्यार मिलूंगी जय पति भरता नार रूपानी कह किस्मत की माड़ी देखी ना खेली होई फुलवाड़ी फुलवाड़ी मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं बहुत पुराने संबंध हैं भाई बीसम यहीं दादरी से ही 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद Star 9X Music ये नया यूट्यूब चैनल है जो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ ही टाइम में ये आपके बीच में होंगे सारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद मनोज मास्टर जी और श्री भूप सिंह जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद राजू भाई हरियाणा रोडवेज से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद छोटा सा बालक अपनी मां की नाड़ी पकड़ता है टटोलता है लेकिन उसके अंदर ना सांस ना मांस बच्चा विचलित हो जाता है कभी छाती के ऊपर कान लगावे अपना मुंह टेक के कदे मुंह पलटे कदे नून करे नून नाड़ पड़ जा नून करे नून नाड़ पड़ जा अपनी मां के पास बैठ के आंखों में पानी आ गया उस बालक के कैसे खली होई ना वाली जब यहां पकड़ के नाड़ी देखी हाथ पकड़ के नाड़ी देखी वो बिना जीव बेकार हुई वे पुत्रो होता छोड़ दिया खुद बहु सागर से पार हुई रूपानी